आज की क्लास में हम इफ कंडीशंस पे स्लैब इंसेंटिव या इनकम टैक्स की रिटर्न कैलकुलेशन या बिजली बिल की कैलकुलेशन जो होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बिजली बिल की कैलकुलेशन की जानते हैं। जैसे हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है ना, क्या सर? हेलो, नहीं नहीं पता सर। जैसे दिल्ली का जो है कि 200 जीरो से 200 यूनिट अगर होता है आपका तो फ्री है, ठीक है। 200 से अगर आपका 400 यूनिट हुआ तो आपको जो है 3.75 रुपए का पर यूनिट चार्ज लगेगा। 400 से 800 का यूनिट अगर आपके पास है तो आपका आई थिंक 6 रुपए कुछ पैसे है, और ग्रेटर देन 800 है मान लीजिए तो आपका 11 रुपए, मान लीजिए ग्रेटर देन 1000 माफ कीजिएगा 800 अब मान लीजिए किसी ने अगर 250 यूनिट किसी का बिजली बिल आया है तो क्या बिल होना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 3.75 करना होगा क्या? देखिए गलत है सर, 3.0 कर दिया, ठीक है, लेकिन एक गलत है। क्यों? क्योंकि 200 तो फ्री है ना, तो यहां पे 0 से 200 तक तो 0 आएगा। 50 यूनिट जो होगा उसी का ना प्राइस लगेगा हमारा 3.75, समझे सर? Yes. अगर मान लीजिए किसी ने अगर 620 किया है, 620 में क्या होगा कि जो 200 है वो फ्री होगा, 200 यूनिट का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3.75। फिर इसमें एक इसमें 220 हो गया ना, 400 घटेगा, हमने 400 घटा दिया तो क्या आएगा, स्लैब में 400 620 है ना, तो मतलब कि 220, तो 220 400 प्लस 220 620 होगा ना सर, तो 220 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 6.3, तो बिजली का बिल कितना हो गया 2137। तो सेम इसी तरह की कैलकुलेशन है, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अगर करना हो इफ फॉर्मूले की मदद से, तो इसके लिए हम इफ का कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 200 है तो 0 आना चाहिए। फिर कॉमा हमने एक और इफ दिया और बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 400 है तो 400 है मतलब कि इसमें से माइनस 200 करेंगे तभी पता चलेगा ना कितना है, मतलब 250 किया तो 50 कैसे निकलेगा, क्या सर? बराबर सर, मल्टीप्लाई बाय 3.75, ओके समझे। फिर यहां कंडीशन देते हैं कि इफ अगर ए जो है 800 से नीचे हुआ, मतलब कि 0 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 3.75 प्लस इसमें से माइनस होगा 400, और 400 माइनस होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.30, आ गया 2136 रुपया, समझे कि नहीं सर? नहीं सर, एक बार वापस बोल दीजिए। देखिए क्या है, सबसे पहले कंडीशन दिया है अगर 200 है, 200 के नीचे है तो ये क्या करे, 0 कर दे, ये आगे कुछ चले ही ना, ठीक है। फिर हमने बोला कि नहीं, अगर 200 से ऊपर है, मतलब 400 से नीचे है, अगर वो 400 से नीचे है तो 200 तो 0 ही है ना, उसमें 200 घटा दीजिए, जो रिजल्ट बचता है उसमें से 3.75 माइनस कर, मतलब 250 होगा तो 50 मल्टीप्लाई बाई 3.75 होगा, समझे यहां तक? हाँ सर। तीसरा कंडीशन है कि 800 हुआ, तो 800 मतलब तीसरा स्लैब, तो पहला स्लैब में तो 0 फिक्स है,
क्या बोल रहा है? और दूसरा स्लैब 200 है, अगर तीसरा स्लैब पार किया दूसरा स्लैब तो पूरा कर लिया है ना, मतलब 200 पूरा कर चुका है, तो 200 को मल्टीप्लाई कर दिया 3.75 से, समझे? हाँ सर। और तीसरे स्लैब में जरूरी थोड़ी कि 200 ही होगा, 400 ही होगा, हमने यहाँ पे कितना दे दिया है, 200 दे दिया और ये 200 दे दिया, 400 दे दिया ना, तो इसमें से जो वैल्यू होगी उसमें से मतलब 620 में से 400 माइनस करेगा या माइनस हुआ, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से 6.30 को मल्टीप्लाई कर देगा, क्या कर देगा, 6.30 को मल्टीप्लाई कर देगा, और जो रिजल्ट आएगा वो इसमें ऐड कर देगा, सबको इकट्ठा ऐड कर देगा, जैसे लास्ट में टोटल किया था ना हमने, सम किया था, ऐसे सबको प्लस प्लस करके हमने सम कर लिया, समझ गए? हाँ सर। किसी और डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन हो रहा सर, ये जो मार्कशीट का था ना, इफ के एंड के साथ कैसे होगा, वो उसमें थोड़ा डाउट है। क्या मार्कशीट वाला जो क्वेश्चन था, इफ के साथ तो हो जा रहा है, वो सब्जेक्ट थ्री में फेल है, सब्जेक्ट टू में फेल है, बट इफ और एंड के साथ कैसे होगा? इफ और एंड के साथ जो है ना, वो सिर्फ एक ही पास और फेल रहेगा, हमने बताया था ना मल्टीपल कंडीशन होगा तो हमारा एंड लगेगा, लेकिन मल्टीपल कंडीशन के साथ मल्टीपल रिजल्ट होगा, मल्टीपल कंडीशन के साथ अगर मल्टीपल रिजल्ट होता है तो फिर नेस्टेड इफ लगेगा, इसे दोनों बताया मैंने आपको। ओके सर, मतलब इफ और एंड के साथ अगर सिंगल कंडीशन में काम करेगा तो पास और फेल देगा, नहीं आपने नेस्टेड इफ सर, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल बताइए ना। एक मिनट सुनिए, सिंगल कंडीशन है तो रिजल्ट, सिंगल कंडीशन है तो नॉर्मली हम इफ लगा देंगे, मल्टीपल कंडीशन बट सिंगल रिजल्ट तो हम इफ और एंड लगाते हैं या इफ और लगाते हैं, ठीक है? मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट्स है तो उसके लिए नेस्टेड इफ लगता है, समझ में आया? अगर आपको जस्ट पास और फेल देना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का इस्तेमाल करेंगे, ओके? लेकिन मुझे देना है कि कौन से सब्जेक्ट में फेल है, वो सब्जेक्ट वन फेल है, सब्जेक्ट टू फेल है, ऐसे मल्टीपल हमारे रिजल्ट है ना, तो फिर नेस्टेड इफ देना पड़ेगा, फिर एंड से पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी इस इंसेंटिव वाली क्लास में, जैसे 0 से 40 आया तो 20 रुपए यूनिट होगा, 41 से 80 आया तो 60 का यूनिट होगा, 81 से 100 होगा 80 और ग्रेटर देन 100 में 100, मतलब 35 मल्टीप्लाई बाई 20, 40 20 और यहाँ पे 45 हुआ तो 40 को 20 से देना है, 55 को 60 से देना है, सेम 85 हुआ तो 40 को 20 से प्लस 40 को 60 से एंड 5 को 80 से देना है, तो चलिए इसी चीज को यहाँ हम करते हैं वन बाय वन। तो अगर आपको दिक्कत होता है ना कैलकुलेशन करने में तो पहले आप इफ लगा लीजिए, ठीक है? हमने बोला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली 20 लिख दिया, मल्टीप्लाई करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? इफ लेस देन इक्वल टू 80 है तो 60 का हिसाब आ जाएगा, इफ इसको सेलेक्ट किया, अगर लेस देन इक्वल टू 100 100 है तो 80 का हिसाब आएगा, और फिर अगेन इफ लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन 100 है तो 100 का हिसाब आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं पे इफ छूट गया है लग रहा है, फर्स्ट में इफ छूट गया था, ठीक है, रिजल्ट आ गया। अब इसमें वन बाय वन करते हैं, अब 40 है यहाँ पे 20 है तो 20 में जस्ट इसको सेलेक्ट करके कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 20, 280 आ गया, 39 तक रिजल्ट आएगा, 40 करते ही रिजल्ट आएगा, 41 करते ही यहाँ पे रिजल्ट 60 आ गया, क्योंकि तो दूसरा स्लैब हो गया। अब 60 में करना है, अब यहाँ पे आप ये देखिए 60 जब आएगा तो 40 पार करके आएगा ना, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20 800 होता है ना, क्या बोले सर? तो डायरेक्ट 800 लिख दे या फिर 40 मल्टीप्लाई बाय 20 लिख दे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, B2 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 60,
माइनस ओके ओके, इसको हमने बोर्ड मास मेथड में नहीं डाला है, याद रखिएगा इस चीज का। 840 आ गया, 40 ये 40 का हो गया आपका 800, और 60 का हो गया 1 का हो गया 60, समझाए? आया सुनो सर कैलकुलेशन? हेलो यस सर। अब 80 पे आया है तो क्या होगा, 800 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ए ए 40 पार करके 60 आ गया, तो आपका क्या है 40 मल्टीप्लाई तो छोटो का 2400 आ गया ना, 1400। अब इकट्ठा लिख दीजिए आप, 14 और 8 जो होता है आपका 3200 होता है, तो इकट्ठे 3200 लिख दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में हमने इसको सेलेक्ट किया, माइनस क्या कर दिया 80, क्योंकि 80 तक दे चुके हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 80 रुपीज, रिजल्ट आ गया। अब यहां पे मान लीजिए मैं 82 देता हूं तो 3360 आ गया। अब थर्ड आता है आपका 100 का, तो जाहिर सी बात है 800 प्लस 2400 प्लस 20 का 80 से है, तो 2080 कितना होगा, 1600। समझे सर? आप ये मत बोलिएगा सर आपकी कैलकुलेशन तो बड़ी अच्छी है, मुझे माने कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। क्या करें सर, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए सर जी। सर मल्टीप्लाई बाय 1 फाइनल हो गया। अब मैं यहाँ पे 10 दूं या 20 दूं या 42 दूं या 62 दूं या 82 दूं या 110 दूं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। इसी बिहार पे बिजली बिल का कैलकुलेशन होता है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, समझे सर? पहले 30 डालो, 30 उसमें, इसमें 30 सही है, आ गया 30 का। तो ये 600, 30 तो 40 से नीचे है ना, तो 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 45 डालता हूँ तो इसने क्या किया, 40 को 40 मल्टीप्लाई बाय 20 मतलब कि 800 प्लस 5 है मल्टीप्लाई बाय 60 मतलब 300, 8 3 1100 हो गए ना, समझे? ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। इज योर डाउट? नो सर। अब 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चंस में यहां हम आते हैं आपके साथ। इगामाना क्वेश्चन का पहले समझिए क्या है, ठीक है। देखिए एक कंडीशन ये है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डर है जो कि बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग बना के सेल करता है, समझे? तो क्या होता है कि वो बुकिंग करता है, बिल्डिंग बनाना शुरू करता है तो बुकिंग करता है, तो बुकिंग का नियम है कि भाई 10% वो बुकिंग अमाउंट लेता है, 10% बुकिंग अमाउंट लेता है। लेकिन होता है क्या, कुछ कुछ आते हैं लोग बोलते हैं कि यार 2.5 लाख का आपका बुकिंग अमाउंट हुआ, मेरे पास फिलहाल 2.5 लाख नहीं है, 1.5 लाख है, मैं कुछ दिनों में दे जाऊंगा। बिल्डर कहता है कोई बात नहीं, आप 1.5 लाख दे जाके बुकिंग कर लीजिए, आपका बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं, आपका जो 1 लाख बचता है वो मुझे 20 महीने में दे दीजिएगा, 20 महीने तक हम आपको कुछ नहीं चार्ज करेंगे। अगर 20 महीने से आप जितना महीना लेट होंगे आपको 17% ईयरली रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 17% ईयरली रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है कि बंदे ने यहाँ पे मान लीजिए कि 2018 में बुकिंग किया, ठीक है, समझे? एक बुकिंग थी 25 लाख, 25 लाख की प्राइस था, 1.5 लाख उसकी बुकिंग अमाउंट उसने जमा किया,
इतने तारीख को, इसका आज के रेट में इंटरेस्ट कितना है 45,330। तो कैसे कैलकुलेट करना है देखिए, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट लगता है, क्या हुआ नहीं बना तो सबसे पहले हमें निकालना है कि भाई इसका 25%, समझे? सही माफ कीजिए, 10% हमें 10% 10%। अब 10% इसने दिया और बुकिंग लिया, लेना था बुकिंग अमाउंट हमारा इतना है, तो 1,00,000 हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। रेट 17% ईयरली है, तो 17% डिवाइड बाई हमने कर दिया 12, तो मंथली निकल गया, ठीक है? अब मुझे निकालना है मंथ, तो टुडे का फॉर्मूला जिससे सिस्टम डेट पता चलता है वो आ गया ए, समझे? और मुझे इसमें से माइनस कर दी मैंने ए वाली डेट, तो आ गया 1603 दिन, और 1603 दिन को हमने डिवाइड कर दिया 30 से करना पड़ा, 53 आया। अब इसको राउंड अप का फॉर्मूला लगा के हम राउंड कर देते, राउंड अप कर देते, समझे सर? तो ये आ गई है, चौवन महीना, लेकिन 20 महीना तो फ्री है ना, इसे माइनस कर दी हमने 20, 34 महीना हो गया। देखिए ए हो गई हमारी रेट, ए हो गया हमारा टाइम। तो इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये आ गई 48,166 महीना। अब बोलोगे सर आपका तो 45,000 ही है, इसका 48 कैसे, 3,000 कैसे बढ़ गया? वो ऐसे बढ़ गया कि मैंने राउंड अप कर दिया, मतलब कि वो 33 महीना पे इसने क्या कि उसने 33 महीना पे जोड़ा हुआ है, ठीक है? समझे? हाँ, 33 से भी नहीं आ रहा है ना सर, 45। तो इसमें डेट फिक्स किया हुआ है, इसमें चौतीस महीने ये डेट इस फॉर्मूला हमने इसमें लगा रखा है, बत्तीस महीना आ रहा है सर, फर्क है ना सर, इसमें एग्जैक्ट महीना निकाला होगा, यहाँ पे 30 दिन का एवरेज दिया होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेटेड इफ का, जिसमें आप स्टार्ट डेट और करेंट डेट डाल देंगे और महीना चाहिए ना, हमने क्या कर दिया, एम डाल दिया, तो ए बता देता है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ महीना, कैलेंडर के हिसाब से काउंट करता है, 30 से नहीं लेता, 30, 31, 28 सब लेके करता है, वो ये तुक्का हो गया, ठीक है सर? ठीक है, समझे? हाँ ठीक है सर, इसे फर्क आ रहा है। यस सर, आप डेटेड इफ का लगा लीजिए, किस भी लगा लीजिए, एक कैलकुलेशन करनी है, बस इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपका फ्लोर जो है लेस देन 5 होना चाहिए, मतलब कि अगर आठवां फ्लोर कर दिया तो 0 आएगा, ठीक है? मतलब कि 4 फ्लोर तक ही बुकिंग अलाउ है, ठीक है? बुकिंग अमाउंट जो बुकिंग है वो 10% का लेस देन एमआरपी होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पे अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि 2,50,000 जमा कर दिया तो 0 आया, मैं बोला 3,00,000, मतलब हो सकता है ना कि 13,00,000 जमा कर दिया, यहाँ माइनस हो गया ना, दिख रहा है सर? बट यहाँ पे माइनस नहीं है, 0 कर दिया, क्योंकि सिंपल सा देख लिया भाई बुकिंग अमाउंट ज्यादा है उसकी जो अमाउंट चाहिए था, तो कंडीशन नहीं लगा, और 20 महीना से ज्यादा भी इंटरेस्ट लगेगा
20 महीना हम एक्सेप्शन है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे 20 महीने को माइनस किया है ना, और इस फॉर्मूले के अंदर 20 महीने को माइनस किया है। अब आपने स्टोरी समझ लिया? हाँ सर। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है ना, इसको समझना। आप बोलिएगा सर क्यों, आप बता दीजिए, समझा दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। आप इंटरव्यू दीजिएगा, नौकरी ज्वाइन कीजिएगा, आपसे पहले जो बंदा फाइल पे काम कर रहा है, जो फॉर्मूले अगर लगा रखा है, वो मिलेगा आपको, तो वहां कैसे समझिएगा? तो वहां भी बोलेगा सुजीत सर फाइल भेज रहा हूं, बस समझ के बताइए क्या है। क्या प्रशंसा जी? जी सर। इसलिए मेरी क्लासेस जो होती है उसमें हम हर तरह से आपको तैयार करते हैं, आपके ऑफिस के हर सिचुएशन के लिए, आपके ऑफिस के हर प्रॉब्लम के लिए आपको हम तैयार करते हैं। इसलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला लगाया, समझा दिया कि कैसे कैलकुलेशन कर रहा है। अब आपको खुद समझना है कि ये फॉर्मूला कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो आपको ना आता हो। ये जो डेटेटिव वाला था वो भी मैंने अलग आपको समझा दिया, करता क्या है जी। क्या लग रहा है आपको, आपसे हो जाना चाहिए ना? जी सर हो जाएगा, पिछला वाला समझ गई तो ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मेल आईडी है SINGH SIN सेकंड नंबर और उसके बाद आता है हमारे टीम का सुरेश। ठीक है, फाइल ये फाइल भेज दे रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे आराम से समझाइए। कल से हम डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन, इसकी टेक्स्ट की कैलकुलेशन शुरू करें। इफ कंडीशन खत्म हो गया, ठीक है सर? वो इफ में इफ एरर वगैरह वो रहते हैं, वो लास्ट क्लास से पढ़ा पढ़ा तो दिया था मैंने। सुरेश जी शायद एब्सेंट थे, नहीं थे? ठीक है, प्रसन्ना जी भेज दीजिए ना फाइल अगर हो तो। ठीक है, ठीक है, तो कल हम बात करेंगे टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर।